देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मूल्यों में स्थिरता, कि जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है उस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा पूरे समाज को एक ही प्राइस पर प्रोडक्ट मिलता है ना, पूरे सोसाइटी को, कि जो प्राइजेस हैं उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है क्योंकि आप बार बार उसमें चेंज नहीं करेंगे। और इसी तरह से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि एक लॉज एक ये इन्होंने क्लू दिया था, आलोचना जो की थी कि जो रिसोर्सेज हैं, जो नेशनल इनकम है या जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसकी वेस्टेज होती है। तो ऐसा नहीं है कि साधनों का दुरुपयोग होता है। जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो जो पुराना प्रोडक्ट है उसको ऐसे फेंक नहीं दिया जाता, बल्कि वो उन पर्सन्स को दे दिया जाता है जो जिनकी परचेजिंग पावर कम होती है, जो न्यू प्रोडक्ट को पाने के कैपेबल नहीं होते। जैसे आप नया फ़ोन लेते हैं तो आपने नया फ़ोन लिया और पुराने का क्या किया, उसको बेच दिया है ना। जो पुअर पर्सन है जो उसको लेना चाहते हैं उसको दे दिया जाता है। इसी तरह से क्रिएट्स मोनोपोली, एक ही आलोचना थी कि मोनोपोली हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं जो कि इसमें एंटर करते हैं, तो फर्म में जो बाजारों का जो अस्तित्व है वो डिपेंड एडवर्टाइजमेंट पे नहीं करता, उनकी क्वालिटी पे भी करता है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, तो मोनोपोली होना पॉसिबल ही नहीं है। एंड इंक्रीज इन नीड्स, कि जैसे जैसे जो प्रोडक्ट हैं वो आते हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो जैसे कहते हैं ना कि आवश्यकता, कंज्यूमर की जो आवश्यकता है उसको क्रिएट कर देती है। तो आवश्यकता तो पहले से होती है, उसके अंदर तो होती है, लेकिन उसको ये पता चल जाता है कि इस आवश्यकता को पूरा कैसे करना है ना, उसको रिसोर्सेज समझ में आ जाते हैं। और एक एक कमी थी कि सामाजिक बुराइयाँ, कि विज्ञापनों पर सिगरेट की या शराब की जो ऐड आती है उससे लोग जो है हैबिचुअल हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। उन एडवर्टाइजमेंट पर लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट आपकी सेहत के लिए हानिकारक है ना। तो अगर ऐसा कुछ होता तो इसका प्रोडक्शन ही बंद हो जाना चाहिए, अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाई जानी चाहिए तो प्रोडक्शन ही बंद कर दिया जाना चाहिए। और एक आया था कि यूज ऑफ ऑब्सेसेंस एडवर्टाइजमेंट, कि इस तरह की गलत पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, लेकिन ये जो गलत फोटोज दिखाई जाती हैं उसका दोष एडवर्टाइजमेंट का नहीं है, एडवर्टाइजमेंट करने वाले का, स्पॉन्सर का है। तो उसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। और एक आलोचना थी कि इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, कि जो नेशनल आउटपुट है वो कम हो जाता है, लेकिन ये कम नहीं होता, ये बढ़ता है। और बढ़ने का भी मेन रीजन क्या है, एडवर्टाइजमेंट, कि जब एडवर्टाइजमेंट होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड के बढ़ने से ही क्या होगा कि जो हमारा टोटल आउटपुट है कंट्री का, नेशनल प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, है ना। तो ये जो भी इन्होंने डिटेल दी है, जो जस्टिफाई किया है, उससे ये पता चलता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक इन्वेस्टमेंट है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है। इससे रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट नहीं होते, बल्कि इससे जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसका बेनिफिट वो कई सालों तक उठाते हैं।